वायरल द शो। आज बहुत बड़ा दिन हो गया है, आइए ये मेरे को ना बुलाया है असली में। किन्होंने सर? ये मेरी नौकरी लगी है, मैं बना हूँ चौकीदार अभी उत्तराखंड सरकार में। मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि वायरल द शो नौकरी लगी है, 8,500 रुपए की नौकरी लगी है मेरी। अगर इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने आ रखा हूँ मैडम को, पैसा कुछ बोलेंगे। और आज मैं इस महान उत्तराखंड सरकार, मेरे ग्रेट उत्तराखंड को जो चलाती है, उसको धन्यवाद देने आ रखा हूँ कि आज मेरे को इन्होंने रोजगार दे दिया है। और मेरे को मिली है चंपावत में विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड के उसमें है, उसमें 8,445 रुपये की नौकरी। अगर इस तरीके से ओपनली धंधा चल रहा है, अगर इस तरीके से अजय कोठियाल जैसे आदमी को, जिसे सब पहचानते हैं, उसके बाद नौकरी मिल सकती है, तो मेरे को लगता है कि आज ना उत्तराखंड का तो भविष्य खत्म हो गया है। अगर सरकार इस तरीके से एक तरफ तो बोल रही है कि हम नौकरी दिलाएंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, और ये घोटाले बना रही है और इसको दर्जी वार आंख बंद करके कर रही है। यदि गवर्नमेंट सेम 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 थोड़ी जा रहा हूँ, कोई बोला मेरे को साथ में बाहर से बोला है। तो मैं इसलिए आया था कि क्योंकि अगर रिक्वेस्ट करके इस तरीके से नौकरी मिली है तो थोड़ी और ज़्यादा तनख्वाह वाली मिल जाती, मैं जो समाज के लिए करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से करते था। तो आप थोड़ा बात करेंगे तो मैं जाके नहीं करता हूँ। कहते हैं सर, आपसे रिक्वेस्ट करने आया था, रिक्वेस्ट करने आया था क्योंकि मेरा अगर एक्सपीरियंस है तो क्या मेरे को और अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है? वो कह रहे थे अगर आप 35,000 दे दोगे तो आपको हम क्लर्क की नौकरी दे देंगे। पर हमारा तो मकसद है, आपको भी पता है, मैं नौकरी के लिए तो आया नहीं हूँगा, लेकिन मैं जरूर समझने आ रखा हूँ आज करप्शन किस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं आकर के अपनी एप्लीकेशन लेकर के आया तो मेरे जैसे समझदार आदमी को भी घुमाया जा रहा है। अगर कर्नल अजय कोठियाल को घुमाया जा सकता है तो आपके समाज युवाओं तुम्हें कैसे नहीं घुमाया जा सकता। हमारी इस कार्रवाई पे सरकार को जू भी नहीं रहेगा और इतना बड़ा घपला हो रखा है, निश्चिंत है। तो कह रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में ऐसे घोटाले चलते रहे। वायरल द शो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।